जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। तो कल मैं गया था चिकनी पानी, वहां से ये 2 बोरे गेहूं ले आया था। और कल जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि मैं पहले चिकनी पानी गया, चिकनी पानी से हम लोग गए मंदिर, और मंदिर से फिर वापस चिकनी पानी, उसके बाद निशा के ताऊ लोग के यहाँ, वहाँ से मैं आ गया था घर, बच्चे लोग और निशा वहीं पे रुक गए थे। सो आज मैं उन लोगों को लेने जा रहा हूँ। अरे होटल नया खोला है सुनने में आया है। अरे हाँ भैया। तो अभी क्या है गर्म में? कटलेट वगैरह निकल जाएगा, कटलेट बनाएगा। तो मैं साथ में ये कुछ कंबल भी लेके जा रहा हूँ जो हम लोग सकरात के दिन दान के लिए निकाल रखे थे। यहीं पे तालाब के जस्ट साइड में हमारे लक्की भाई की है न्यू जायका रेस्टोरेंट खुली हुई है। तू कैसे एंट्री मारा हुआ है? क्योंकि देखे दिल खुश हो जाएगा आपका। पक्का? हाँ। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो भाई। बढ़िया बढ़िया। तो ये है हमारे लक्की भाई का न्यू होटल, समोसा बन गया है। आप प्योर है? अच्छा। आपको जैसे ये नहीं होगा कि मतलब अभी बच गया तो उसको सुबह मतलब अगले दिन के लिए रख दिया जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा? और आपको समोसा का टेस्ट नहीं, आप अभी खाओ साल भर बाद खाओ कोई डिफरेंस नहीं है। अरे वाह, ये सबसे बड़ा चीज है ना, क्वालिटी को एकदम तो क्वांटिटी बना के रखना है, क्वालिटी है। ये कटलेट देखिए बन के रेडी हो गया, ये कुछ पैकिंग करवा के मैं ले जा रहा हूँ चिकनी पानी। बीच से सूर्य झांकता हुआ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में। तो यहाँ मैं जब भी आता हूँ ये पीछे की तरफ जरूर आता हूँ। गाय कहाँ गई? घास वगैरह चरने के लिए गई है लग रहा है। इतने सारे पपीते, गाड़ी जाती है, टमाटर लगा हुआ है। कार चले? शाम हो गया अभी, हटा गाड़ी जाता है, हम कुछ नहीं, 5-6 बजे चलते हैं। पहले इतना आइटम कौन खाएगा? मीठा तो कौन ही खाऊंगा मैं, बाकी एक पीस खा लेता हूँ। क्या बना रहे हैं? अरे पहाड़ जाना है तो जल्दी चलो, अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में। मेरा हो गया। देखे जा रहे हैं हम लोग पहाड़ की तरफ, वो सामने है पहाड़, वो सामने है पहाड़, उसमें मैं तो डाँट डाँट के। बच्चे लोग का मस्त मजा हो गया है। सेजू तो बस और चढ़ और चढ़। सेजू गिर गई, बहुत बदमाशी कर रही थी, और चढ़ेगी उसमें नहीं चढ़ेगी। सेजू उन लोग का देख के चढ़ रही थी, अब सेजू थोड़ा सा चेती है, थोड़ा देर बाद फिर रिचार्ज तो नहीं हो जाएगी। मासी नहीं करो सेजू ना। अरे सेजू, अरे लाइक वापस आ रही वो तो फिर ये दे अभी गिरी है फिर ना। अबे गिरी गिरी देखिए अभी तो गिरी है सेजू, फिर तू नाटक चालू कर दी। दे 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 दे, अब उसे मत चढ़। लेट कर रहे हैं मस्ती कर। मानना पड़ेगा फिर, अभी रो रही थी एकदम जोर से, और देखिए तुरंत जो है रिचार्ज हो गई। चलो पहाड़ चलो जल्दी, लेट हो जाएगा नहीं तो। वो ऊपर में स्कूल है, और आप लोग सोच लीजिए चिकनी पानी का जो हाई स्कूल है ना वो है, मतलब बच्चे लोग यहाँ से पैदल आते हैं, सोचिए कितना बेहतरीन लगता होगा। वो पीछे की तरफ पहाड़ दिख रहा है, पूरा का पूरा पहाड़ है, और इसमें से बच्चे लोग साइकिल से और पैदल जाते हैं वहाँ स्कूल। और यहाँ ऊपर से आप लोगों को मैं ड्रोन व्यू जैसा नज़ारा दिखाऊंगा। वो सामने एक वो पहाड़ों के बीच में ना बहुत पीछे की तरफ एक पहाड़ दिखाई दे रहा है, सबसे सुंदर और सबसे
तबाही वही दिख रहा है। बिजली स्पार्किंग हो रहा है वहाँ पे खम्बे में। अब देखिए जहाँ तक हमारी नजरें जा रही है पूरा का पूरा खुला वातावरण है, सिर्फ पहाड़ दिख रहा है, बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, एकदम खुला खुला माहौल, कसम से स्वर्ग में खड़ा हूँ ऐसा लग रहा है। अरे पिकनिक के चक्कर में और अंधेरा हो जाएगा, जगह आए हैं तो पिकनिक लेना बनता है। जो छात्र छात्राएं यहाँ पे पढ़ती होंगी और पढ़ते होंगे उनको कितना मजा आता होगा यहाँ पे। जैसे मैं आप लोग छोटे थे ना तब वो पहाड़ में ना एक तो ऐसे बोलते थे कि वो पहाड़ में ना जो भी जाता था ना वो सारा चीज भूल जाता था। कौन सा पहाड़ में? वो भूला टोंगरी। भूला टोंगरी है, भूला टोंगरी। हाँ। भूला टोंगरी? हाँ, अपना घर को भी भूल जाता था और कहाँ से आया वो भी पूरा भूल जाता था। झूठ बोल रही है, सच्ची में भूला वाला वो था पत्ता खून दे देता हो जाता था। तो ये तो बड़ा विचित्र चीज ये लोग बता रहे हैं। यहाँ पे कोई जगह है सामने, उसका नाम है भूला टोंगरी। अच्छा वो सामने, वो जो सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना एक ठो टीला टाइप का, उसका नाम है भूला टोंगरी। और कोई सा एक पौधा है जिसको अगर जाते जाते अगर हम लोग खूंद देते हैं, अपने पैर से दबा देते हैं, तो आदमी अपनी सारी याददाश्त भूल जाता है, पूरा याददाश्त। हुआ भी है, हाँ पूरा हुआ भी है किसी के साथ। तू किसको देखी है? मैं देखी तो नहीं पर बता रहे थे। ऊपर में ये कुआं ना 10-20 फीट नीचे है, गहरा है, लेकिन सर पूरा कचरा डाल दिया है। कुआं थोड़ी है यार, टंकी है ये, देख ले रखो पूरा हो गया ना, 10-20 फीट नीचे है। तो ये है स्कूल, देखिए बेहतरीन सा। और यहाँ से व्यू तो मैं क्या बताऊँ आप लोग को, एक तरफा। गजब, ये देखिए। और ये स्कूल इस वजह से सुंदर दिख रहा है क्योंकि यहाँ का लोकेशन ऐसा है। तो अभी मैं सुपर व्यू ऑफ किया हूँ और नॉर्मल मोड में है। अब देखिए थोड़ा सा तो अभी क्लियर दिखाई दिया होगा आप लोग को, मतलब सामने दिखाई दिया होगा ये सब पहाड़। और ये ऊपर देखिए चांद। तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा देर रह नहीं पाए क्योंकि अंधेरा होने वाला है। सो हम लोग वापस हो रहे हैं अभी फिर से अपने घर की तरफ। पापा आप कभी भी बेर चुराए हो? बहुत, हम लोग भी चुराए हैं। यही टोंगरी वहाँ देखो ना, तो मस्त सीन आ रहा है यहाँ से। अब कितना ऊपर ये देखो, देखो पूरा पहाड़ दिख रहा है उधर से, देखे पूरा। हम लोग धीरे धीरे उतरना चाह रहे हैं लेकिन ढलान में थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाता है ना, वैसे कुछ हो रहा है, समझ समझ के उतरना पड़ रहा है। सेजू कैसे खा रही है तू? ऐसे खाते हैं क्या? देख तो पूरा पोस्टमार्टम कर दी उसका तू। कैसा सेजू चेहरा, अरे यार खाने लग गया अभी भी चैन नहीं। ये अभी मैं चिकनी पानी आई हुई हूँ और यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है मेरे को। और आप लोग तो मेरा वीडियो देखते हो दिन भर और लाइक भी करते होगे। गुपचुप चैलेंज नहीं कर पाए इसलिए सॉरी। और वो है ताई, ये है ताई, इधर है ना मास्क वाली नानी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, लग रहा है कि और रुकूं। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। तो आज है इनका हैप्पी बर्थडे भौजी का। क्या क्या बनाया खाने में? मैं रोटी खा रही हूँ और अभी मेरा चाय आ रहा है। नानी और रोटी। अच्छा रोटी घी लेना आपको? क्या खाना? पापा
बस पराठा नहीं, मेरा वो ही खाने का विचार है। क्या खाने का विचार है? रोटी और अचार चाय। बाप रे, तू अपने लिए तीन रोटी लेके आई है? तीन ठो, तीन ठो। कहाँ से लेके आई? उधर से पैदल लेके आई है? लिखा तो सेजू, तू अपने लिए तीन ठो रोटी स्टेशन लेके आई है। ये देख, बाप रे, अभी तक तीन ठो खा गई है। हाँ, तीन ठो खा गई। और ये तीन ठो और लेके आई है? हाँ, मतलब छह ठो। हाँ, सज जाएगी सेजू? सज जाएगी। खा ले, कैसे खाती है देखो यार। हाथ धो ले अपना। अभी अभी तेरे साथ क्यों खाना खाना चलूंगी। तो खाना वगैरह हम लोग खा चुके हैं, अब पारी है यहाँ से निकलने की। और उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। पूरा फॉग जम गया कांच में।